दोस्तों आज आपको एक अमेजिंग चीज दिखाते हैं। यहाँ पे आप ये सामने देख सकते हैं, साइड में भी पानी है और इधर भी पानी है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा टापू है और टापू के ऊपर यहाँ पे हमें फसल देखने को मिल रही है। देख सकते हैं कि सामने यहाँ पे बुआई की गई है। आखिर आप सोचिए कि चारों तरफ पानी से एक आइलैंड, यहाँ पे छोटा सा आइलैंड है, यहाँ पे कैसे खेती कोई कर रहा होगा, मशीनरी जुताई के लिए कोई कैसे लेके आता होगा, फसल की कटाई कैसे होती होगी, इसको पानी कैसे दिया जाता होगा, सारी चीजें आज हम इस आइलैंड पर जा रहे हैं। देखिए थोड़ा सा पास में ही रह गए और देखेंगे कि कैसे यहाँ पे खेती हो रही है। खास बात यह है कि इतने से छोटे से आइलैंड पे कोई आखिर आकर खेती कैसे कर सकता है। यहाँ पे देखिए फसल, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, और फसल यहाँ पर पककर तैयार हो गई है एक तरीके से, मतलब कि 3 या 4 दिन के अंदर, वो कटाई भी लग रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कटाई लगनी शुरू हो गई है, मतलब कि फसल ये कट रही है। अब इसको कटाई के लिए कोई आदमी कैसे आता होगा यहाँ पे, इसको यहाँ पे पानी कैसे दिया होगा। जो हमारे भाई हैं यहाँ पे, जो ये माखन जी है, माखन जी ने बताया कि यहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे कर दिए जाते हैं, साइड में ही यहाँ पे अगर हम गड्ढे करते हैं, गड्ढे से ही पानी ले जाकर इसको दे दिया जाता है। और जो मशीन होती है, जैसे आप ये यहाँ पे नाव देख रहे हैं, नाव के अंदर ही छोटी छोटी जो बैक रोटरी वाले रोटर वेटर्स होते हैं, उनको लाकर यहाँ पे इसकी जुताई की जाती है, और जुताई करने के बाद में फसल बो दी जाती है, और पानी यहाँ से ही पानी इसके अंदर डाल दिया जाता है, और फिर कटाई कर यहाँ पे ही इसको इस नाव के जरिए ही वापस ले जाया जाता है। और हम आपको लोकेशन बता देते हैं, ये जो लोकेशन है यहाँ पे, ये है यमुना नदी, और यमुना नदी के बीच में यहाँ पे एक छोटा सा, आप कह सकते हैं तकरीबन 2 एकड़ का एक आइलैंड यहाँ पे है, और उसके ऊपर भी लोग बाग खेती कर रहे हैं। तो मखान भाई, हमें ये बताइए कि जैसे लोग बाग आते होंगे, हमने तो बता दिया, आप क्या कहना चाहते हैं कि कैसे मशीन लेके आते होंगे या कैसे खेती करते होंगे? आपका किसे नहीं, ये तो हाथों से ही करते हैं। हाथों से ही, मतलब की उधर में वो नाव लगी हुई है उनकी, खेती बाड़ी वालों की। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी में बैठ के मजदूरों को लेके आते हैं साथ में। अच्छा, और इधर कटवाई करवा के नाव में सब काम करते हैं, नाव में से लेके। तो यहाँ पे भूसा यहाँ पे ही निकलवाएंगे या पूरे को ही लेके जाएंगे यहाँ से? भूसा तो ये उधर आगे जाकर निकलवाएंगे, इकट्ठा करके 4-5 खेतों का। अच्छा अच्छा अच्छा, पैसे मिला के इलेक्ट्रॉनिक वाली मशीन मंगाएंगे सब लोग। अच्छा अच्छा, तो मशीन सारी यहाँ पे जो आती है पूरी नाव के अंदर ही आएगी? दो नाव ज्वाइंट करके। अच्छा अच्छा, 2-3 नाव एक साथ ज्वाइंट करके, एक नाव के अंदर नहीं आती है मशीन? अच्छा अच्छा, और ये कब से खेती हो रही है, या मतलब कि जैसे ये पानी यहाँ पे भरा हुआ दिख रहा है, तो यमुना कभी ऐसे भी होती होगी कि उफान पे आती होगी, डूब भी जाते होंगे लोगों के खेत? डूब भी जाते हैं, हर साल आता है डूबने वाला पानी, हर साल आता है। लेकिन ये है कि जिनकी बच जाती है, जो मेहनत कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ मिल जाए, तो बहुत अच्छा है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, लोगों के अंदर जो मनोबल है खेती करने के लिए वो आपको पसंद आया, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। यहाँ पर यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।